Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our another video of macroeconomics, in which we are going to start our new chapter, government budget. What is government budget? Budget हम सब जानते हैं, budget हम सब जानते हैं क्योंकि हम भी जब अपने घर की परचेजिंग और सेलिंग या मतलब जो भी वर्क होता है हमारा घर का मंथली एक्सपेंस जो होता है उसके लिए हम भी अपने पास एक बजट रखते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा है तो मुझे इसमें ये खरीदना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अपना पूरा मंथली बजट रखते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट का भी बजट होता है। तो गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing income and expenditure of government during a financial year. During a financial year. Okay. So ये क्या है कि government के through या government का जो annual income और expenditure होता है उसका एक estimate. गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है पर ईयर का उसका एक एस्टीमेट बना के रखा जाता है, और वो भी उसका जो एक्सपेंडिचर होने वाला है। यानी कि जैसे सपोज मंथ ऑफ द स्टार्टिंग में मेरे पास 20,000 रुपीज है, अब मैं ये डिसाइड करती हूँ कि इस 20,000 से मुझे अपना पूरा मंथ करना है वर्क, तो मुझे क्या क्या खरीदूंगी, मैं क्या क्या नहीं खरीदूंगी, क्या पे पैसा रखूंगी, इन्वेस्ट करूंगी, मतलब कहाँ कैसे करूंगी, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट की पूरी एनुअल जो बजट होती है, एनुअल एक्सपेंडिचर और इनकम होती है, उसको पहले से ही एस्टिमेट बना दिया जाता है कि इस पूरे साल में गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आएंगी, इस पर इतना खर्च होगा, इस टैक्स से इतनी इनकम होगी, टैक्स की रेट ये होगी, वो सारा जो होता है पहले ही एस्टिमेट कर लिया जाता है। क्यों? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस फाइनेंशियल ईयर को हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, इसके बहुत से नाम होते हैं। तो अब आते हैं कि हमारी बजट की और क्या क्या फीचर्स है, यानी गवर्नमेंट बजट की और क्या क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बजट होता है वो सारी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, मतलब जो बजट होता है वो सारी गवर्नमेंट प्रिफर करती है। जब हम अपने घर के लिए बजट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट्स भी अपने पूरे एक्सपेंडिचर का, इनकम का बजट बनाएंगी। तो वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ये बजट प्रिपेयर करती हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट बोलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, इसको ध्यान रखना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है वो क्या कहलाता है? यूनियन बजट कहलाता है। प्लस हमारा जो बजट है वो इकोनॉमी में कैसे आता है, मतलब उसको कैसे कह सकते हैं लाया जाता है हमारी पार्लियामेंट में, कैसे उसको एस्टेब्लिशमेंट मिलता है। तो उस बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द डे डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जिस दिन, जैसे हमारा हमने बनाया बजट, हमारा बजट बन गया, हमारा बजट पास भी हो गया, ठीक है, लेकिन उसको लाया कब जाएगा? उसको लाया तब जाएगा जब हमारे प्रेसिडेंट बोलेंगे, यानी कि जिस दिन प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आज आप अपना बजट प्रेजेंट करिए, उसी दिन बजट प्रेजेंट होगा। और या फिर बजट हमारा प्रेजेंट होता है ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी हमारा बजट प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये था हमारा बजट। प्लस इसमें
जब से ये बजट बन के रेडी होता है और इसकी प्रेजेंटेशन तक उनको एक अलग जगह रखा जाता है, उनकी सारी सोशल नेटवर्किंग, सारे कॉन्टैक्ट सब कट कर दिए जाते हैं, उनका कोई भी कॉन्टैक्ट किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आगे किन चीज़ें, उसके क्या प्राइस आने वाले हैं, क्या चेंज आने वाले हैं, तो वो पहले से ही उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर ना हो जाए, पहले से ही उन चीज़ों को परचेस कर ले या कुछ अपना जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है वो काम वो ना कर ले। इसलिए उनकी फैमिली से और सारे रिलेटिव से उनका कॉन्टैक्ट कट करके उनको एक अलग जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे उनका बाहर से, मार्केट से, उनके फैमिली से किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके, सो ये होता हमारा गवर्नमेंट बजट, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि गवर्नमेंट बजट जो हमारा है वो हमारी गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, कि पूरे साल में गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लाएगी, क्या वर्क करेगी, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कहाँ कहाँ से उसको इनकम मिलेगी। फिर हमारा जो बजट है वो कब प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कौन उसको गवर्न करता है, प्लस उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक अलग सेपरेट प्लेस पे रखे जाते हैं, ताकि वो उस नॉलेज का मिसयूज ना कर सके। ठीक, तो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी कि ये बजट जो है इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजंस है या उसका क्या वर्क है, क्यों ये जरूरी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे गवर्नमेंट बजट के? सबसे फर्स्ट है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है कि जैसे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कभी भी बिल्डिंग, रोड, डैम्स, इन सब की कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनको प्रॉफिट नहीं है, इसमें उनको रिटर्न कुछ नहीं मिलना है, इस वजह से वो ये सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसको कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट को वो मेंशन, वो पहले ही अपने बजट में कर लेती है कि इस साल हमें इतनी बिल्डिंग्स बनवानी है या रोड्स बनवानी है, इस पे इतना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट बजट का नीड क्या होगा कि हमारी कितनी एक्सपेंडिचर होने वाली है, हमें क्या क्या वर्क करना है फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर पब्लिक वेलफेयर। फिर हमारा आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में क्या है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू टैक्सेस, सर्विसेज और सब्सिडीज प्लस और भी जो फैसिलिटीज जैसे पेंशन हो गया और ये चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक फंड्स के लिए जो ये गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है, वो क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ में आता है, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन रिसोर्सेज पे कितना उनको खर्च करना है, नहीं करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये डिसाइड करती है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस सेटअप किए हुए हैं जो कि हमारी पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी कौन करता है? हमारा गवर्नमेंट। यानी कि उनको भी तो फंड्स की नीड होगी अपनी एंटरप्राइज को चलाने के लिए, अपनी फर्म को चलाने के लिए, तो उनकी फंडिंग करना, उनका क्या मैनेजमेंट चल रहा है, कैसे वर्क कर रही हैं, उनको गवर्न करना, ये सब काम कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक वर्क है, उसको स्टेबलाइज करना, उसको एक बैलेंस्ड वे में रन करना, एक प्रॉपर वे में रन करना, ऐसा ना हो कि अनबैलेंस्ड
ग्रोथ हो जाए, हमारा रिचर सेक्शन ग्रो कर जाए, पुअर सेक्शन और पुअर रह जाए, अर्बन एरिया ग्रो हो जाए, रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड रह जाए, तो ये चीजें नहीं करनी। हमें क्या करना है, एक स्टेबलाइज मेजर लेना, यानी कि हमारा जो रिचर पुअर सेक्शन है वो भी बराबर हो, हमारी ग्रोथ बराबर हो, वेल्थ और इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारे पीपल में वो इक्वल हो, तो ये सारी चीजें हमारी आती है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि सारे चीजों का एक बैलेंस ग्रोथ, सारे चीजों की एक बैलेंस एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट हमारी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन जीडीपी, हमारी राइज इन नेशनल इनकम, यानी कि जीडीपी का राइज होना, नेशनल इनकम का राइज होना, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्या है, गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा मोटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एज बेटर एज पॉसिबल हो जाए। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी वर्क करना होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी हमारे इस गवर्नमेंट बजट के अंदर आती हैं। इन शॉर्ट कि हमारा जो भी इनकम होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो सब किस में आता है, हमारी गवर्नमेंट बजट में, और हमारा मतलब किसका, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर हमारी कंट्री की ग्रोथ, इससे रिलेटेड जितना भी फर्क है, जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर हैं, वो सब किस में आते हैं, गवर्नमेंट बजट में आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ